Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. दिग्गज संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी का 92 इयर्स की एज में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। सीने में संक्रमण और न्यूमोनिया की शिकायत के बाद उन्हें पिछले महीने 28 जुलाई को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। खयाम साहब द्वारा रचे गए धुनों में एक खास किस्म का आकर्षण रहा है, जिससे उन्हें संगीत जगत में एक खास मुकाम मिला। खयाम साहब का जन्म 18 फरवरी 1927 को पंजाब में हुआ था। उनके संगीतमय जीवन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत लुधियाना में 1943 में 17 वर्ष की आयु में की थी। 1953 में फुटपाथ फिल्म से उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। 1961 में आई फिल्म शोला और शबनम में संगीत देकर खयाम साहब को पहचान मिलनी शुरू हुई। आखिरी खत, कभी कभी, त्रिशूल, नूरी, बाजार, उमराव जान और यात्रा जैसे फिल्मों में उन्होंने धुनें दी। अपने शानदार काम के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। उन्हें 2007 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और 2011 में पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया। कभी कभी और उमराव जान के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि 2007 में आई फिल्म यात्रा में खयाम साहब का संगीत था। फिल्म में रेखा और नाना पाटेकर लीड रोल में थे। भले ही खयाम साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हो, मगर उनके संगीत की अमूल्य विरासत हमें यूं ही मंत्रमुग्ध करती रहेंगी। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार रात 9:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। खयाम के निधन से फिल्म जगत से लेकर राजनीति के गलियारे में शोक की लहर छाई हुई है। खयाम साहब के निधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि कुछ सबसे यादगार कंपोजिशंस हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके लिए खयाम साहब का भारत हमेशा आभारी रहेगा। नए कलाकारों के प्रति मानवीय बर्ताव के लिए भी उन्हें याद किया जाएगा। उनका निधन बेहद दुखद बात है। एक्टर ऋषि कपूर ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, रेस्ट इन पीस खयाम साहब। इसके अलावा सेक्रेट गेम्स के लेखक वरुण ग्रोवर ने अपने ट्वीट से खयाम साहब की एक नज्म शेयर करते हुए लिखा, अलविदा खयाम साहब, आपके संगीत ने भी बाकी सब शानदार संगीत की तरह ही हमारी मदद की है उस कायनात को समझाने में जिसे बयां कभी नहीं किया जा सकता। शुक्रिया खयाम साहब। लेखक जावेद अख्तर ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया और लिखा, महान संगीतकार खयाम साहब गुजर गए। उन्होंने कई एवरग्रीन क्रिएशंस दी है, लेकिन एक जो उन्हें अमर बना देती है वो सुबह कभी तो आएगी। लता मंगेशकर ने अपने ट्वीट में लिखा, महान संगीतकार और बहुत ही नेक दिल इंसान खयाम साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनकर मुझे इतना दुख हुआ है जो मैं बयान नहीं कर सकती। खयाम साहब के साथ संगीत के एक युग का अंत हुआ है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। अमिताभ बच्चन ने भी खयाम साहब को याद करते हुए ट्वीट किया, म्यूजिक के लेजेंड, कोमल स्वभाव, मिलनसार इंसान, एक ऐसी शख्सियत का निधन हो गया है जिन्होंने कई फिल्मों में अपना खास योगदान दिया है, जिसमें कई फिल्में मेरी भी शामिल है। खयाम साहब ने यादगार संगीत बनाया और उनके लिए प्रार्थनाएं और संवेदना है। बता दें कि सीने में संक्रमण और न्यूमोनिया की दिक्कत के बाद उन्हें 28 जुलाई को मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार यानी कि 20 अगस्त को मुंबई के दक्षिण पार्क जुहू के JVPD सर्कल में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। खयाम साहब भले ही इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन उनका म्यूजिक हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।